नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट पर भारत का दम सीरीज के इस पांचवें एपिसोड। भारत दो मोर्चों पर दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, ये बात हम सभी जानते हैं। सरहद पर पाकिस्तान और चीन भारत की क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा पर मंडराने वाले दो सबसे बड़े खतरे हैं। बॉर्डर पर चीन के साथ तनाव के बीच अभी हाल ही में सेना ने अल्ट्रा एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के अपडेटेड वर्जन का सफल परीक्षण किया था। पहली बार मिसाइल को इसकी पूरी रेंज में दागा गया, यानी इसने टारगेट को 5,500 किलोमीटर दूर जाकर ध्वस्त कर दिया। इस मिसाइल को DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है। जहां पहले इस मिसाइल की रेंज 5,000 किलोमीटर थी, वहीं अब ये बढ़कर 7,000 किलोमीटर हो चुकी है। यानी इसका मतलब आधी दुनिया अब अग्नि 5 की जद में आ चुकी है। इस खतरनाक मिसाइल से एक बार में चीन पाकिस्तान दोनों ही देशों पर निशाना साधा जा सकता है। DRDO ने अग्नि मिसाइल के कई सारे टेस्ट किए हैं, लेकिन अभी हाल में जो अब्दुल कलाम रेंज से बे ऑफ बंगाल में अग्नि मिसाइल 5 का टेस्ट किया गया है, उसमें इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो सुपरसोनिक स्पीड से चलती है, कैनिस्टराइज्ड है, व्हीकल के ऊपर माउंट की जा सकती है, न्यूक्लियर कैपेबल है, कई वार हेड्स ले जा सकती है और अलग अलग टारगेट्स के ऊपर वो वार हेड्स डाले जा सकते हैं। और इस मिसाइल की रेंज में करीब करीब पूरा चाइना आता है। इसकी जद में चीन और पाकिस्तान के सभी महत्वपूर्ण शहर आते हैं, मसलन चीन के बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझाऊ के अलावा हांगकांग और पाकिस्तान के इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी और पेशावर जैसे शहर भी इसकी जद में आते हैं। भारत अगर इस मिसाइल को दागता है तो वो पूरे एशिया, यूरोप का कुछ हिस्सा, यूक्रेन, रूस, जापान, इंडोनेशिया तक पर हमला कर सकता है। अग्नि 5 कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब भारत ने इसके अपडेटेड वर्जन के परीक्षण का ऐलान किया था, तब चीन ने अपने जासूसी जहाज युआन वांग 5 को हिंद महासागर की ओर मोड़ दिया था। मतलब साफ है कि ड्रैगन के पसीने छूट रहे। भारत में अग्नि 5 से पहले भी इसी सीरीज की दूसरी मिसाइलें भी लॉन्च की जा चुकी हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर और उन्नत मिसाइल अग्नि 5 ही है। चीन अग्नि 5 से बुरी तरह से डरा हुआ है, कारण कई है। पहले तो उसकी आदत में शुमार है कि अगर हमारा कोई आदमी, हमारा प्राइम मिनिस्टर या हमारा रिप्रेजेंटेटिव या दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश में जाए तो चीन को तकलीफ हो जाती है। अगर जापान का कोई रिप्रेजेंटेटिव ताइवान में जाए, चीन को तकलीफ हो जाती है। अमेरिका की नैन्सी पेलोसी वहाँ पे गई तो चीन को तकलीफ हो गई। ऐसे ही चीन को हर उस काम से तकलीफ है जो उसके प्रतिद्वंदी कहिए, कंपटीटर्स कहिए, वो करते हैं। उन्हीं में से एक ही अग्नि 5 मिसाइल है। यह मिसाइल असाधारण है, अद्भुत है। इस इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का वजन तकरीबन 50,000 किलो है और वो भी तब जब इसे 20% तक हल्का किया जा चुका है। 17.5 मीटर लंबी अग्नि 5 का व्यास 2 मीटर यानी कि तकरीबन 6.7 फीट है। ये मिसाइल 1500 किलोग्राम वजनी परमाणु हथियार तक ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल में 3 स्टेज के रॉकेट बूस्टर लगे हैं जो सॉलिड फ्यूल से उड़ते हैं। इसकी गति साउंड की स्पीड से भी 24 गुना ज्यादा है। इसका मतलब समझते हैं आप, 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी ये मिसाइल तय कर लेती है। ये 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला वो करती है। इसमें रिंग लेजर, गायरोस्कोप, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, GPS, नेव IC सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम भी लगाया गया है। इसमें भी सबसे खास बात है इसकी एक्यूरेसी, यानी कि सटीकता के साथ सेलेक्टेड टारगेट को चुनकर तबाह करना। अगर टारगेट मान लीजिए अपनी जगह से हट गया है और 10 से 80 मीटर तक की रेंज में भी वो कहीं जाता है, तो भी उसका इस मिसाइल से बच पाना नामुमकिन है। इसकी तमाम खासियतों में से एक सबसे खास है MIRV सिस्टम, यानी कि जिसे
मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स तकनीक कहा जाता है। MIRV मिसाइल, इसमें M का मतलब मल्टीपल और I मीन्स इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल, R मीन्स री एंट्री और V मीन्स व्हीकल। ये जो री एंट्री व्हीकल है इसका मतलब ये है कि एक मिसाइल अगर एक वार हेड ले जाती है और एक टारगेट को हिट करती है तो ये मिसाइल विद MIRV सिस्टम कई वार हेड्स ले जा सकती है और वो वार हेड्स डिफरेंट टारगेट्स को अटैक कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, जो वार हेड्स हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि इसमें एक्सप्लोसिव वार हेड हो सकता है, इंसेंडरी वार हेड हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन वार हेड हो सकता है, न्यूक्लियर वार हेड हो सकता है। और ये MIRV सिस्टम जिसको इक्विप करने में अग्नि 5 मिसाइल कैपेबल है, यही इसको लीथल पावर देता है, जिसकी वजह से चाइना इससे डरा हुआ है। इसकी तैनाती स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में की गई है। इस कमांड के तहत ही भारत की सभी मिसाइलों का संचालन किया जाता है। इसमें पृथ्वी, अग्नि और सूर्य जैसी मिसाइलें भी शामिल हैं। सूर्य मिसाइल अभी बनी नहीं है, इसकी रेंज 12,000 से 16,000 किलोमीटर तक होगी। उससे पहले अग्नि 6 भी बनाई जानी है जो 8,000 से 12,000 किलोमीटर तक की रेंज को कवर करेगी। इसी कमांड में समुद्र में मौजूद धनुष और सागरिका जैसी दूसरी सैन्य मिसाइलें भी शामिल हैं। लेकिन इस सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि क्या भारत युद्ध के हालातों में इस मिसाइल का इस्तेमाल यूं ही कर सकता है या फिर इसके लिए कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर निर्धारित है। तो आइए इस सवाल का जवाब भी जानिए। पृथ्वी मिसाइल, आकाश मिसाइल, नाग मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल और अग्नि मिसाइल, इनमें से हर मिसाइल के अपने अलग अलग SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। अग्नि मिसाइल के भी अपने अलग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं। अब उस अग्नि मिसाइल में भी अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 एंड अग्नि 5 और अब तो हिंदुस्तान अग्नि 6 भी बना रहा है। इनके जो रेंजेज हैं वो 1,000, 2,000 से लेकर 5,000 किलोमीटर तक अब इसका रेंज है। 5,000 किलोमीटर का रेंज होने की वजह से जैसे चाइना कहता है कि मैंने डेंग फोंग 26 जिसे वो ग्वाम किलर कहता है कि अमेरिका के बेस तक पहुंचाई जा सकती है, ऐसे ही अब ये अग्नि 5 चाइना के मेनलैंड तक पहुंचाई जा सकती है। तो इसकी ज़रूरत बहुत पहले से थी क्योंकि हमारे सिचुएशन कुछ ऐसी बनती जा रही है कि देर में भी ए टू फ्रंट वार जो हमको लड़ना पड़े और ऐसे में दोनों दुश्मनों को न्यूक्लियर रेंज के अंदर लाने के लिए इस मिसाइल की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी और इसमें SOP के अंदर यकीनन कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो भारत का दम के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अग्नि 5 मिसाइल चीन जैसे कुटिल देशों के खिलाफ भारत के लिए कितनी कारगर रहेगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलूंगा आपसे भारत के दम की एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।